सब्जेक्ट की प्रोसीडिंग पे एमी का सेटलमेंट का थे कि वो मेरा क्लाइंट 5 लाख रुपीज ही देने को तैयार है, सो ज्यादा उसकी कैपेसिटी नहीं। दे आर डिमांडिंग 50 लाख। बच्चों की पोजीशन ऑफर था ना लास्ट टाइम, उसको 20,000-25,000 रुपए महीने का मेंटेनेंस उठता पर मंथ, 10,000 रुपए का अटेंडेंस उठता, 15,000 रुपए महीने की उसकी दवाई आती है। पॉसिबिलिटी नहीं है सेटलमेंट की? नहीं, वो 8 लाख रुपए। 5 लाख कितना होगा? 50 का बोला सर, क्योंकि लड़की भी है, कितने महीने करके हो गए, एजुकेशन जाना आपको, बीएससी सेकंड ईयर है। 5 लाख में क्या होगा? 25,000 रुपये महीना दीजिए आप इनको, कोई दिक्कत नहीं। 11,000 रुपए दे रहे हैं पर्टिकुलर। नहीं, 25,000 का ऑर्डर है बोले ना, 11,000 वो चल रहा है, वो दे रहे हैं। यहाँ थोड़ी बढ़ाएंगे, थोड़ी लगाई है वो। मेरे साथ कंडीशन ये है कि मेरी मदर है एंड शी इज ऑन बेड। नहीं, अगर आपको सेटलमेंट करना है तो कोई रीजनेबल अमाउंट दीजिए ताकि उनका सर्वाइवल पॉसिबल हो। 1 लाख रुपए में आज के डेट में क्या होगा? बैग भी नहीं आएगा, 3,500-3,500 रुपए और बैग नहीं आएगा उसमें। तो खर्चा सर मंथ पर मंथ सर आप डिसाइड कर लीजिए। नहीं, हम कैसे डिसाइड करेंगे? हम मेरिट पे डिसाइड करेंगे इसको। अगर आप 5 लाख रुपए देने की बात कर रहे हैं तो विल मेरिट ऑन मेरिट्स। ₹50 लाख अगर देंगे तो 35,000-40,000 रुपए महीना आ सकता। आप सर्विस में है क्या? नहीं सर, 60,000 रुपीज सैलरी है। आप बोले तो मैं सैलरी स्लिप लगा दूँ, 60 से ज्यादा नहीं है। अगर करिए, अगर मेरिट पे सुनना है तो जो कोर्ट का जजमेंट है ना, उसके लाइफ में दोनों पहले कितनी आपकी इनकम है, विल असेस द इनकम एंड देन गिव इट फाइनली। दोनों सर्विस पे है, दोनों को बोल देता हूँ। कौन सा जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट? हाँ, After month, please. Week commencing 31st of July. All right.